आज वे सर नजर नहीं आ रहे, कहीं आपने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? अजी उनकी इतनी औकात है कि हम कुछ कहे उन्हें। फिर क्या, मैंने नौकरी से निकाल दिया। क्यों? अरे उन्होंने हमारी फिल्म जो देख ली थी। अच्छा, हाँ, फिल्म देख ली थी तो क्या हुआ सर, आप उनसे डर गए? आप तो सीपी यादव जैसे लोगों से नहीं डरे, फिर वेद सर से डर क्यों? सीपी यादव गुंडा है, बदमाश है, मकार है, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वेद सर सच्चे ईमानदार आदमी है, हमें डर ही ऐसे लोगों का है। नहीं सर, फिर भी आपने ठीक नहीं किया, बेचारे वेद सर की माँ बीमार है। तो माँ बीमार है तो हम क्या करें, स्कूल है, हॉस्पिटल थोड़े ना। फिर भी सर, बेचारे वेद सर। वेद बेटा चिंता मत करे, नौकरी छुटगी तो छुट जान दे, तो योग आदमी है तुझे तो 10 मिलेंगे। मक्करू की नौकरी नहीं करया करते, अरे अपना कोई छोटा मोटा स्कूल देख ले जहाँ तेरे संस्कारों की कदर हो। इन बड़ी दुकानों पर तो अहंकार बिके अहंकार, काम वहां कर ले जहाँ संस्कार हो। पर पिताजी एक बार तो इस स्कूल में जरूर जाना पड़ेगा, इन्हें यूं तो बता के आना पड़ेगा अकमस प्रिंसिपल और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचूं। अरे तू छोड़ वहाँ, तुझे किसी को बताने की जरूरत ना, भगवान सब बता दे, तू नू दुखी ना होवे। हाँ उसकी जन कितनी आँख है। भैया आप तो फिलोसॉफी के आदमी हो, आपके लिए तो बतेरी नौकरी है, क्यों दुखी हो रहे हैं आप? वो चरित्रहीन प्रिंसिपल। अरे बेटा दूसरों के चरित्र की चिंता मत करो, चरित्र अपना संभाल के रखो। ठीक कह रहे हैं तेरे पिताजी। देखो वेद सर, आप चाहे जो भी कहो, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। पर सत्या जी मैंने जो देखा, मैं उस बात को कैसे भूल जाऊं? मैंने इन्हीं आंखों से उन दोनों की पूरी फिल्म देखी है। देख ली तो देख ली, आंखों की बात को आंखों के अंदर ही रखो, दिमाग में मत जाने दो, दिमाग को फ्री रखो। इसको एक हसीन, मेरा मतलब है इसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। वो बात इतनी हसीन है, क्या मैं उन्हें आंखों में बसा के रखूं? अच्छा चलो आप एक बात बताओ, ये जो अभी मैंने आपको बात बताई, क्या आप इस बात को भूल सकती हैं? कौन सी बात? वही जो मैंने आपको बताई। कौन सी बात बताई? अरे मैं इतनी देर से आपको क्या बता रहा था? कुछ नहीं बता रहे थे, हम तो अपने घरों की बात कर रहे थे। सत्या जी रिलैक्स वेद सर, इस दुनिया में सच्चाई और अच्छाई ही नहीं चलती, दोनों का अपना अपना टाइम होता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर आपकी जान और नौकरी दोनों पहले भी खतरे में पड़ी हैं, पहले भी बचाया है आपको, वो भी इन्हीं प्रिंसिपल सर ने। इन्हीं प्रिंसिपल सर ने? कौन सी नौकरी की बात कर रही हैं आप? कब खतरे में पड़ी मेरी जान, बताओ, डरा रही हैं? कब हुआ ऐसा? जब सीपी यादव के भांजे को आपने थप्पड़ मार दिया था। अरे कमाल कर रहे हैं सत्या जी आप, भला बदमाश की गुंडागर्दी में खड़ा खड़ा देखता रहता। बताओ क्या एक अध्यापक का ये धर्म है? मैंने तो अपना धर्म निभाया था, मैं तो अपना धर्म ऐसे ही निभाता हूँ। देखो सत्या जी, हमने अपने जीवन में दो ही उसूल बनाए हैं, सत्य और सेवा। समझ गई ना आप? समझ गई ना आप क्या कहना चाहता हूँ मैं? देखो वेद सर, हम नौकरी करते हैं, नौकर लोग हैं, हमारा धर्म है अपनी नौकरी करना, अपनी रोजी रोटी को बचा के रखना। उस दिन अगर प्रिंसिपल साहब उनको नहीं समझाते तो वो लोग आपको गोलियों से भून देते सरेआम, और कोई गवाही भी नहीं देता। गवाही नहीं देता मतलब? आप भी गवाही नहीं देती क्या? जरूर देती, बताती पूरा कि आपने उसे जूतों से, थप्पड़ से, लातों से, घूंसों से खूब दबा के मारा। आप ये गवाही देती? क्या मतलब इस गवाही का? इतना झूठ? सत्या जी मैं समझ गया, ये दुनिया मतलब की है। हाँ, और इस मतलबी दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना सीख लो। सत्या जी आप क्या बात कर रही हैं, क्या सिखा रही हैं आप मुझे? वे सर रुको, सुनो, ड्राइवर रोको। वे सर मैं आपको आवाज लगा रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैडम मैं सुनता भी हूँ और उससे भी अच्छा देखता हूँ। नहीं वे सर, आपने जो देखा मैं वैसी नहीं हूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो आप नहीं समझ सकते। हाँ ये बात मेरी समझ में क्यों आएगी,
तुम्हें तो यूँ लगता है ना कि हमारी समझदारी बहुत छोटी सी है, ये बड़ी बड़ी बात हमारे समझ में कैसे आएंगी। देखो मैडम, तुम महाराज नुकसान करवा सको थी करवा दिया, मैं थारे हाथ जोड़ूं तो मुझे माफ करो बस। सर आप बेकार में ही मुझ पर नाराज हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका जो प्रिंसिपल है ना वो वीके मुछेल गंजा, वो मुझे स्कूल में नहीं घुसने दे रहा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब आप कुछ कराओ और वो काम ना हो, इतनी हिम्मत है उस मुछेल की? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारा जो प्रिंसिपल है जी, उसने गेट कीपर से कह के मुझे स्कूल में पैर रखने से मना करवा दिया है। अब देखो गुलछर्रे तो उड़ा रहा था वो, पापी वो, चरित्रहीन वो, और सजा दे रहा है हमें, बताओ। वेद सर मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हो गई है, आप कल से स्कूल में आइए, वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं। और आप? मेरी तो सर आप पूछिए मत, पर आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हाँ आपको समझने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पता नहीं आप मेरी नौकरी छुड़वाने में इंटरेस्टेड हैं या मेरी नौकरी लगवाने में। सर अब मैं चाहती हूँ आप स्कूल में ही रहें, आप बहुत ही सीधे और सच्चे आदमी हैं, कल आप स्कूल में आ जाना बेधड़क होकर, ठीक है सर? ठीक है आ जाऊंगा। सोगी के? उषा चल डॉक्टर के चलेंगे, चल तजे दिखा के लेंगे, बैठिए। डॉक्टर के चल रे, कोई बात नहीं, आज मैं कहूंगा खून चेक करेगा और जो तू कहेगी तो चढ़वा भी देंगे, पर खून आवेगा कहां ते? चल सारे काम होंगे और भर्ती भी करवाऊंगा, चला जा राम ते चल। हाँ कर लेंगे, ये सारा सा लगा अपनी माँ का। हाँ चल बैठ आराम ते चल। राम ते बैठ, तेरे में बोझ बोझ है, कदे गिर ना पड़े, सिंबल सी क्या है ये, या तो जबी लेके पड़ेगी। मैं क्यों गिरूंगा, संभाल के ले चलूंगा, ले कंधे पर धर मेरे। हाँ डरे ना डरे ना, आराम से तरूंगा, बहुत आराम से आराम से। अरे बैठते क्यों नहीं भाई, सब लोग बैठ जाओ, मीटिंग का टाइम हो रहा है, सबको अपने अपने घर भी जाना है, फिर और भी काम है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जल्दी है, डिसिप्लिन में रहा करो। ये बड़ा नुक है तुम्हारे पास अपना मास्टर तो रुकता नहीं, हमें कैसे रोक दोगे भाई? त्यागी जी क्या करेंगे इसमें? सिर पर दर्द है मेरे मेज, मुंह में बड़े का बोल लगा मेरे मेज, देख लिया मैंने, सीधी करके रखी सर। अच्छा सर रुक जाओ सर, आपने दे दो पानी लेके आए नहीं सबके लिए, पानी पिलाए इनको, देख धूम में बैठे काले हो लिए सारे। अच्छा सर। हाँ आ जाओ मैडम मेरी बराबर जी, सर लीजिए। प्रिंसिपल साहब हमको धूम में काहे को बैठा रखा हुआ है, हम सारे काले पड़ गए यहाँ। अब धूप लग रही है जब यहाँ बीड़ी चसोड़ा खड़ा हो गया और ये राइफल के गोली जैसे निशान 36 का रखे है कुर्ते में आज ही है, तुम्हें देख देख के सारे बाले बिगड़ गए, वहाँ नहर पे खड़े होकर मुझे बीड़ी पीते मिले और जब मैं उन्हें डांटा उन्हें रोकने की कोशिश करी, अब मैं नहीं कह रहे अपने मास्टर को रोक लो, सारे पास मास्टर तो रुकता नहीं, हम तो वहां को देख के लगे। प्रिंसिपल साहब
पेट में दर्द जाए कबूतर हमारे पीनी पड़ती है। अरे तो पेट में दर्द हो जाए भैया, चूरन खाओ, कहीं इलाज करा लो, डॉक्टर से कोई दवाई बंटी ले लो, या इसी से होगा, इसी से इलाज होगा तारा पीनी से। अरे कौन मरे? अरे ठहरिए। अरे भूसर जी, अरे सर, अरे सर आवाज दे रहे हैं, उठो सर 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 सर। अरे आज सोना है तो मीटिंग करने आ रहा है, क्या करने आ रहे हैं आप? सर सर, रात मच्छर बहुत काट रहे थे, नींद नहीं आई। और सुनी मेरी यार तुम्हारी बात, कोई तो सुनना रहा देखो। अरे नींद भी हम ही लाओगे क्या? मच्छर काट रहे थे तो भैया मच्छरदानी लाओ, या मच्छरों का इलाज भी हम ही करेंगे। तो वहां से अपने घर में तुम मच्छर काट रहे हैं, नींद पूरी करो, यहाँ से कुल में आगे मैनेजमेंट से तनखा लो, बालकों पे कुछ नहीं आता इन पे पढ़ना। आवे करिए अप्पा जी, क्या चल रहा मैटर तुम्हारा, क्या है? ये ही करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे बाल पे एक अंचर नहीं आता ढंग से, तमीज भी नहीं है उनको, कुछ भी नहीं। ये जो ये कानों पे धर रहे राइफल, अरे तार लेने लिहाज कर लो, तो देख लो मीटिंग में बैठे हो तुम। सर पेट के लिए अच्छी रहती है ये। कैसी बात कर रहे सर आप? ये बीड़ी हमारा इलाज करे, ये बीड़ी तो हमने अपने पेट के निया रख रखी है, ठीक है? हमारे पेट में जब भी गड़बड़ हो गए हम एक बीड़ी पी ले, और क्या है तुम्हें, ये बीड़ी नहीं आती। हाँ पर प्रिंसिपल साहब, यू भी एक दवा है। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, हल्के में मत लो। लगते हम धोते नहीं इस वजह से कि बीड़ी बहुत महंगी है। मेरा मैडम जी, आपका इलाज कहाँ से चल रहा है? कहा सर, मैं तो ठीक हूँ, मैं सारा बाल मेरा खून चूस लिया, मैंने पठान पठान के चक्कर में सूख गई। हाँ ये तो ढेर घोलू मोलू बन रहे, फिर भी कुछ नहीं आता। इतने पड़ गए भी, इतना खून चूस के भी कुछ नहीं आता। तुम तो कुपोषण की शिकार हो रही हो, इलाज करो अपना ढंग से। प्रिंसिपल साहब, आपने ये इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ धूम में बैठा रखे हैं, ये ऊट पटांग बात सुनने के लिए बुलाए हैं क्या? आप मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे? ये ऊट पटांग बात नहीं है मास्टर जी, ये मीटिंग चल रही है यहाँ पे, इनको बताया जा रहा है, इनकी गलतियाँ दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। ये जो खड़े होगा वहाँ से बीड़ी चसूड़ा है, वहाँ से दीवार के पीछे सारे बड़े गिने देख देख के लग गए सुल्फा भी। मीटिंग का कोई एजेंडा हो तो उस पर बात करो ना, कभी मीरा की बात, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात, कभी उसकी बात, मुद्दे की बात करो, टाइम कीमती है हमारा। वेद सर, एजेंडा ये है कि अब की बार आपने इतने बच्चों को फेल कर दिया, भाई ये स्कूल बंद कराएगा मानोगे क्या? सर जब बच्चा कुछ लिखेगा नहीं तो पास कैसे होगा? आप भी कमाल कर रहे हैं सर, फेल बच्चा नहीं होता, फेल या पास होता है कॉपी में लिखा हुआ मैटर, समझ नहीं रहे बात को? ये अपनी फिलोसफी रखो अपने पास, और सरकार क्या चाहती है सिर्फ ये सुनो। सरकार क्या चाहती है सर? सरकार चाहती है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट 100% हो। प्रिंसिपल साहब, बच्चों का रिजल्ट 100% तभी तो आगा जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, और मैं उन्हें पढ़ाऊं। और वो तो मेरी वीडियो में ज्यादा ध्यान लग गया, मेरी पीढ़ी गिनते रहे, मैं कितनी पीढ़ी पी। तो इन बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? माफ करो सर, 9वीं 10वीं के बच्चे पे हिंदी तक नहीं आती, अब बताओ मैं क्या करूँ, खून और पी लिया मेरा, कैसे पढ़ाऊँ इन्हें? मेरा मैडम, फिजूल की बात तो करो मत, मुझे सिर्फ ये बताओ कितने बच्चे हैं जो 5 नंबरों से फेल? सर काफी बच्चे हैं। तो ऐसे सभी बच्चों के 5-5 नंबर बढ़ा दो और उनको सबको पास करो। सर नंबर कहाँ से बढ़ाएंगे, काफी सारे बच्चों ने तो कॉपियां ही कोरी छोड़ रखी हैं, कुछ लिखा ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये मैं कुछ नहीं जानता, बच्चों को पास करो बस। प्रिंसिपल साहब, आप क्यों देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? वेद सर, आप देश के भविष्य के बारे में मत सोचो, आप अपने और मेरे भविष्य के बारे में सोचो जो खतरे में पड़ा हुआ है। बात को समझो वेद सर, बच्चों के पेरेंट्स से मोटी फीस ली जाती है, अगर वो फेल हो गए तो हम उनको क्या जवाब देंगे? जवाब हम क्यों देंगे, मैनेजमेंट देगा, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गधे घोड़े सब बराबर हो रहे हैं यहाँ तो। सत्या मैडम, आप वेद जी की बातों में मत आइए, और मैं सभी से कह रहा हूँ सब अपने अपने बच्चों के नंबर बढ़ाइए, मुझे किसी भी तरह सब बच्चे पास चाहिए। प्रिंसिपल सर, आप ये जो नंबर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं? उनके बारे में बाद में सोचेंगे, अभी आप वो करो जो आपको करने के लिए कहा गया है, अब आप सब लोग जा सकते हैं।
ठीक है साहब। अरे पार्टी जी, चलो चाची जी दे देते। हाँ भूषण जी, सोते रहोगे बोलो। पहले माचिस दे देंगे तुम्हारी माचिस। तत्काल फायदा, अपनी बीड़ी जलाऊंगा पहले। चलो दे दियो ये बीड़ी, इस प्रिंसिपल की चैट से तो बाहर निकलो पहले। सही कह रहे हो। अब देखिए ना सत्या जी, हमारा अपॉइंटमेंट तो हुआ है लेक्चरर फिलोसॉफी के पद पर, और हमें काम दिया है चपरासियों से भी छोटा है। ये कोई बात है बताओ? ये तो है, पर क्या कर सकते हैं सर? नहीं कर तो कुछ नहीं सकते, पर ये कोई बात है? अब स्कूल के बच्चों का एडमिशन कराना, घर घर जाके बच्चों को ढूंढ के लाना, ये अध्यापकों का काम है क्या? अध्यापकों का काम तो नहीं है सर। पर आप एक बात तो बताओ सत्या जी, ये लोग इस बात को क्यों नहीं देखते कि भाई जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेके बैठे हैं उन्हें आप पढ़ा नहीं रहे, और टीचर्स को आपने भेज दिया फील्ड में कि जाओ नए मुर्गे लाओ फंसा फंसा के। अरे जो मुर्गे दड़बे में पहले से बैठे हैं उन्हें तो ठीक से दाना दे लो, उन्हें दाना देने वालों को तुमने भगा दिया, नए नए मुर्गे लाओ बस फंसा के। ये कोई बात है इनकी? देखो वेद सर, हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। या तो हम सिस्टम छोड़ दें, या फिर सिस्टम के हिसाब से खुद को ढाल लें, या तो फिर। मैडम आप एक बात बताओ, कहाँ तक ढालें सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को? अब देखो छोटी सी बात है, मैं और आप जा रहे हैं फील्ड में, स्कूल ने ले रखी है माँ बाप से फीस। अब अगर कोई पेरेंट्स हमें अपने घर पकड़ के बांध ले कि हमने आपको फीस दी थी पिछले साल, बच्चे स्कूल गए नहीं, फीस लौटाओ, तो बताओ हम और आप क्या कर लेंगे? देखो सर, आप ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचते। चलो मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन अगर 1% ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे बताओ? आपके कुछ सवालों का जवाब मेरे पास कभी नहीं होता है। छोड़िए ये सब, चलिए कुछ बच्चों का एडमिशन हो गया तो आज स्कूल में दावत होगी। तो दावत खाने के चक्कर में धक्के खाने। चलिए सर, चलो क्या कर सकते हैं। ढक्कन जेब मर गए भाटी, वो तक कब जानी है ना आज। ढक्कन कर रहे आज पपी, माय स्वीट पपी, कितना अच्छा पपी है, क्यूट पपी। लो पपी। सर मैं आपको नहीं कह रही, मैं पपी को कह रही हूँ। कितना अच्छा है ये। संभल गए, संभल गए। कितना अच्छा है। बाय पपी, बाय। मोहिनी मैडम, इसे धरती पे मत छोड़िएगा, गंदा हो जाएगा। अरे बड़ा प्यारा पप्पी है आपका। है क्या? नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब का है। अच्छा अच्छा, ले सकती हूँ क्या? हाँ हाँ। क्यूट, बहुत प्यारा है। अरे अरे नहीं नहीं, नीचे मत छोड़ना। क्यों? प्रिंसिपल साहब ने मना किया है, गंदा हो जाएगा। ओ, आप मुझे दे दीजिए। कितना प्यारा है, चलो हम चलते हैं। अरे सोनिया मैम, मीरा मैम, कैसी हैं आप?
ये प्रिंसिपल सर का ग्रेट पप्पी है, कितना प्यारा पप्पी है। नहीं नहीं ये आज ही आया है, बड़ा ग्रेट है। लाओ अब मैं चलती हूँ, ठीक है माई लवली पप्पी। देखो हम घूम फिर कर फिर नीचे आ गए, लवली पप्पी, प्यारा पप्पी। लवली पप्पी, अब हम और स्टाफ से मिलकर आएंगे, ठीक है ना वे सर? देखो प्रिंसिपल साहब का पप्पी है, कितना प्यारा पप्पी है ना वे सर? कितना क्यूट है, देखो हाँ, ना हाँ, समझदार भी है ये। ये इतना ही समझदार है तो मुछेल की कुर्सी पे बैठा दो ना इसे, इससे तो अच्छा ही रहेगा ये। सर आप इतने चिढ़ते क्यों हैं? मैं चिढ़ता नहीं हूँ, चापलूसी की भी कोई हद होती है नहीं होती है? चल रही है आप कुत्ता खिलाने के ले रही हो या उस काम की ले रही हो बताओ? अरे रेबीज की बीमारी को गले लगाए घूम रही है, ये काट सकता है, हैं? बिना मतलब एलर्जी हो जाएगी, पर नहीं चापलूसी करनी है। कितना प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा है, हाँ आगे चल के यही ना सारी दुनिया को संभालेगा। अरे धरती में छोड़ दो इसे, बाकी काम कर लो। नहीं सर, प्रिंसिपल सर ने मना किया है धरती पे छोड़ने के लिए, गंदा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उस जैसा गंदा आदमी है कोई? उसकी भी गंदगी के बारे में सोच लो कुछ। अरे सर सारे टीचर्स ने इसे गोद में खिलाया है। हाँ खिलाएंगे ही, आप वहाँ प्रिंसिपल की गोद में बैठी रहती हो, यहाँ इसे अपनी गोद में खिला रही हो, बाकी सारे टीचर्स भी इसी को खिलाएंगे, बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे। आप मुझे माफ करो, मेरे बस के ये कर्म नहीं है। जाओ नमस्ते। बताओ स्कूल में कुत्ते खिलाए जा रहे हैं, सिस्टम। अरे भूषण सर, भूषण सर। अरे भूषण सर ऐसे बिदगिए मत सर, प्रिंसिपल साहब का पप्पी है। अच्छा प्रिंसिपल साहब का, वो चाटिए मत सर इसे। चल चलते हैं। अरे सर देखो ना कितना प्यारा पप्पी है। अरे दूर हटाओ उसे। अरे सर देखिए ना बिल्कुल आप ही कर रहे हैं। कुत्ते का बच्चा, दूर हटाओ इसे, परे कर। सर ये प्रिंसिपल साहब का पप्पी है। अच्छा इधर को दिखाओ तो प्यारा ही। अरे देखना बिल्कुल मेरा छोटा भाई लग रहा है। लो पियो पियो। जी सर ये क्या कर रहे हैं आप? दोनों भाई बीड़ी पी रहे हैं। गंदी बात है, गंदी स्मेल आती है सर इसमें से। में से नहीं आप में से आ रही है सर, इसमें से नहीं आ रही। छी लाइए मुझे दीजिए इसे। नहीं मेरा भाई नहीं, सर दीजिए आप, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। छी मैडम आप भी ना। चलो पप्पी पार्क में घूमते हैं, घूमते हैं, वैसे भी छुट्टी का टाइम हो रहा है। इतनी लंबी बात नहीं कर सकते। लिया। मैडम ले लिया चुखार है? आप सुबह से लेके इसे घूम रही हो, मैं तो तब मानू जब रेबीज का टिक्का भी ना लगवाओ। अब तो इसे मुछेल की कुर्सी पे बैठा दो, बहुत बड़ा अधिकारी बनना है इसे तो। चापलूसी की कोई हद नहीं लग रही है इसे घुमाने में, सुबह तक अपना कटवा लिया, मुंह देखो अभी इनका। वे सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्यों आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ का क्या करना है? आप प्रिंसिपल साहब की डेट ऑफ बर्थ पूछो। मुझे यूडाइस में आपका डाटा फिल करना है। सत्य जी मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मुझे याद तो थी पर फिलहाल मैं भूल गई। अच्छा तो मैडम
मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको कल बता दूं? नहीं सर, वो मुझे आज ही पूरा करना है। ओहो सत्य जी, क्या करूं अब? फोन करके पूछ लो ना। मैं तो आज फोन भी नहीं लाया। अरे मेरा फोन ले लो आप। हाँ लाओ दिखा दो। क्या क्या काम जुड़ रहा है ये? हेलो। हाँ हेलो वेदिका, जरा मेरी डेट ऑफ बर्थ बताना। 15 अगस्त 1995। कन्फर्म हो ना तुम? हाँ हाँ कन्फर्म हूँ। नहीं नहीं फिर भी तुम एक बार माँ से पूछो, कन्फर्म करो। भैया अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे तो बता दे। 15 अगस्त 1995। हाँ भैया माँ ने भी वेरीफाई कर दिया, 15 अगस्त 1995। मोहिनी मैडम 15 अगस्त 1995। ओके सर। करो, केवल 10 मिनट है आपके पास। पकड़े गए। तुमसे तो चीटिंग करनी भी नहीं आती। चीटिंग करनी सीखनी है तो हमसे सीखो। हम जब तारी उम्र में थे ना, हम भी चीटिंग करके ही पास हुए। हमारी निगाह अपनी कॉपी पे रहती और दूसरे की कॉपी से हम नकल कर देते। तुम्हारे पे जब यो छोटा सा काम नहीं हो रहा तो तुम जीवन में के कर सको भला। हमारे यहाँ की नकल कर दुनिया कहाँ तक कहाँ पहुंचगी, और तारे पे छोटी सी नकल नहीं हो रही, डूब मरो जाके चुल्लू भर पानी में। करो जल्दी करो। नहीं चिटिंग नहीं करनी है। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तू चिंता ना करे। हरे राम रे। नो भैया कदल और तेरे सारे चलोगे। अब भैया मुझे यही बैठा दो फिर, घुमाना उमाना कदल और चलेगा, मेरे पैर से भी कापल लगे। ना ना कोई बात नहीं, सारा सर आख रहे। हाँ सहारा रख रहा हूँ। हाँ गिर ना जा। हाँ ऐसे ही खून बनेगा। हाँ हंडे फिरे तो ठीक होगी, भूख लगेगी, खाया पिया पचेगा। हाँ दादी सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस आवेगा। हाँ समझ रहे ना आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर आपने मुझे बुलाया। हाँ बुलवाया। कहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्कूल में चल क्या रहा है। सर वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्कूल में चल क्या रहा है। आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दीजिए। तो आप बात बताइए क्या है। आप 7th क्लास को पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाता। आप हमसे जबरदस्ती पढ़वाते हैं, आप हमारी योग्यता का मिसयूज कर रहे हैं। आप सीधा जवाब दीजिए भाई सर, आप जानते हैं। सर मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं 7th क्लास में साइंस पढ़ाता हूँ। एक बच्चे के आपने मार्क्स अपलोड नहीं किए। हाँ तो नहीं किए, जब बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया तो मार्क्स कहाँ से अपलोड कर दें। तो अभी तक आपने एग्जाम लिया क्यों नहीं बच्चे का, ये आपकी ड्यूटी बनती है। सर मेरी ड्यूटी बनती है मुझे पता है, पर जब बच्चा स्कूल में झांकता तक नहीं उसका एग्जाम कहाँ से दूं मैं। हैं नाम उसका आप काटने नहीं देते। देखो मैं आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से समझा रहा हूँ जी। आप उस बच्चे का एग्जाम लीजिए, कॉपी चेक कीजिए और मार्क्स अपलोड कीजिए, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। सर आप एक बात बताओ,
हम उस बच्चे का एग्जाम उसके घर जाके लें क्या? जरूरत पड़े तो ऐसा भी करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मनोज पानी लाओ। मिनी मैडम ये फाइल लो, इसे ट्रैक करो। जी सर। ओके ठीक है, दुखी कर दिया इन्होंने तो। अब बताओ सत्या जी, ये कोई बात है? रूल्स 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 रूल्स, जीवन रूल्स से ही चलेगा क्या? देखो वेद सर, हम यहाँ सरकारी नौकरी पे तो लगे नहीं है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। मतलब आप मुझे नौकरी से निकाले जाने का डर दिखा रही हैं क्या? जी नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन इन स्कूल वालों ने ऐसे बच्चे स्कूल में क्यों भर्ती कर रखे हैं जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते? देखो सर, देश में सर्व शिक्षा अभियान चला हुआ है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है। परिवार, समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसका क्या? पढ़ना किसको अच्छा लगता है वेद सर? ये बात मैं और आप जानते हैं कि पढ़ना कितना जरूरी है। जिसको पढ़ना लिखना जरूरी लगता है वो स्कूल आता है, फीस देता है, पढ़ता है। कैसे कैसे बच्चे भर्ती कर रखे हैं इस सर्व शिक्षा अभियान ने, तो सब गधे घोड़े बराबर कर दिए ना। बताओ, किसी को जबरदस्ती हम टांड पे बैठा देंगे तो वो कग्गे उड़ा देगा क्या? कग्गे उड़ाने और स्कूल आने में जमीन आसमान का फर्क होता है वेद सर। अगर कोई स्कूल आएगा तो पढ़ेगा भी नहीं, तो कम से कम बुरी संगत से तो बचेगा। अच्छा, जेब कतरा तो नहीं बनेगा? जेब कतरा तो नहीं बनेगा, पर वो किसी और काम का भी तो नहीं रहेगा। जब उस पे पढ़े लिखे होने का ठप्पा लग जाएगा, आएगा कुछ नहीं। वो तो वो काम भी नहीं कर सकता जो अनपढ़ लोग कर लिया करते हैं। टीचर्स का जीवन नरक बना दिया इन्होंने, बेतुके अभियानों ने। ये बेतुके अभियान नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। मैं तो इनका दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ, आप तो स्वागत करोगी, आपकी तो बढ़िया कट रही है ना, आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। वेद सर, हर टीचर को लगता है कि कोई बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है, और हर बच्चे को लगता है कि कोई टीचर कुछ सिखाता ही नहीं है, जबकि हर बच्चा पढ़ने लायक होता है और हर टीचर कुछ ना कुछ सिखाता ही है। बी प्रैक्टिकल सर। सत्या मैडम, मैं खूब प्रैक्टिकल हूँ, आप प्रैक्टिकल नहीं हो। आप एक बात बताओ, मैं उस बच्चे का क्या करूं जो कभी क्लास में झांकता नहीं है, कभी फीस नहीं दी, लेकिन उसका नाम मेरे रजिस्टर में चढ़ा हुआ है। लेकिन नाम चढ़ा हुआ इसलिए उसका एग्जाम लेना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। वो एग्जाम तो लेना ही पड़ेगा। तो एग्जाम लूं कैसे, स्कूल में तो वो आता नहीं। जहां भी मिले वहीं पकड़ के एग्जाम ले डालो। बताओ मैडम, ये बात कहां तक प्रैक्टिकल है? चलो खाओ आप। आज भी नहीं आया ये तो, कहाँ से लाऊं इसे पकड़ के? बताओ भाई, एग्जाम लो चाहे बच्चा आए ना आए, एग्जाम इसने कह दिया ऑफिस में बैठ। सत्या जी भी कह रही है पकड़ो और एग्जाम लो, इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। बताओ कैसे कैसे बच्चे भर्ती कर रखे हैं स्कूल में, फोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, लेटर का जवाब नहीं दे रहे, एड्रेस पे जाओ तो पता गलत, खून पी दिया। बताओ, लेक्चरर फिलोसफी बने। ओए रुक, अरे मेरे गुलगुले, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरे यार।
चल स्कूल चल, एग्जाम दे। आजा 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 आजा, भाग मत बेटा, आजा आजा, एग्जाम दे एग्जाम दे। डर मत बेटा, तू पास हो जाएगा, भाग मत बेटा। अरे मेरे बाप, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मेरे यार, बैठ मेरे लाल मेरे पीले, तू कहाँ था यार? हैं, मैंने इतने फोन करे तुझे, तने फोन उठाया नहीं, तने जो पता दिया था हमने उस पर लेटर भी भेज जा, वो पता फरोड़ पाया। हैं हैं, एक तेरे पापा ने नंबर दिया था, वो भी फरोड़ ही पाया। बेटा पेपर दे ले बेटा, दे पेपर। कॉपी मैं दूंगा कॉपी बेटा, तू क्यों घबरा रहा है? कॉपी मैं दूंगा, तू तो बस पेपर दे दे बेटे, देश के राष्ट्रपति तक की नजर तेरे पे है बेटे, ले पेन लाया है, तू पेन भी ले ले, ले पेन, नाम लिख लिख, शाबाश, डरे ना, नाम तो लिख लेगा बेटे, लिख दे बेटे, डरे ना। अरे सुन, अरे मेरा पेन तो दे जा। अरे भाई मेरा पेन कहाँ ले जा रहा है तू, पेन दे जा। अरे यार, अरे अरे मेरा पेन। वैसे प्रिंसिपल सर, आपने ये मीटिंग बुलाई किस लिए है? आप बता रहे हैं, ज्यादा दांत मत दिखाओ। त्यागी जी जे पूछ रहे हैं, ये मीटिंग काई को बुलाई है तुमने? हाँ। मुझे पता है त्यागी जी क्या पूछ रहे हैं, वही बता रहा हूँ मैं इनको। बताते क्यों नहीं सर? हम पागल हो गए इसलिए बुलाया तुम्हें। तो सर पागल खाने में भर्ती हो जाइए ना, हमारी क्यों जान खा रहे हैं? तुम्हें भी लेके जाऊंगा। भूषण जी, पागल खाने तो लोग भाटी जी को भेजेंगे। मैंने कौन सी काई की भैंस खोल ली? ईश्वर ने चाहा तो अब आपको यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा। क्यों सर, ऐसा भाटी जी ने क्या कर दिया? क्यों? जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं, ये तो खली हो गए हैं, ताकत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। कल एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बात करने के लिए आए थे, उनसे भिड़ गए, बेचारे सही सलामत आए थे, लंगड़ाते हुए गए। अच्छा, माने अपनी न्याय बताई, बचगा नहीं मेरे हाथन से पिट जा दो। हाँ, भाजगा। एक तो बेचारे इतने सज्जन थे, हीरो जैसी शक्ल थी उनकी, मुंह सुझा के भेजा इन्होंने। अजी बालकन के सामी मुझे जवान चोरी कर रहा हूँ, आपसे जवान खोरी कर रहा, स्कूल से लहू लुहान हो गया है, इन अंडरटेकर ने दांत तोड़ दिए बेचारे के। अरे प्रिंसिपल साहब, आप भी कमाल कर रही हो, मेरी सास को भाटी से सवाल कर रहे हो, हमने कभी अपने मास्टर को सवाल का जवाब नहीं दिया जी, हम पे मास्टर बनना हो, ऊपर से दांत तोड़ दिखा रहे हो, मैंने सुसरे तोड़ दिए। ठीक किया आपने भाटी जी। क्या ठीक किया इन्होंने? और आप क्लासरूम में बच्चों के सामने बीड़ी पीते हो? मैंने कितनी बार कहा आपसे प्रिंसिपल साहब, आप मेरे पीरियड को केवल 20 मिनट का रखे। दरअसल मैं 20 मिनट से ज्यादा बीड़ी पिए बगैर रह नहीं सकता, यकीन नहीं आता, तो भाटी जी से पूछ लो। बताओ भाटी, सही बात है। उल्लू का गवाह चमगादड़, मतलब अब स्कूल का टाइम टेबल आपकी बीड़ी के हिसाब से चलेगा। मत बनाओ, हम तो बिना बीड़ी पियो रह नहीं सकते। बिना नौकरी के तो रह लोगे? अजी नौकरी तो हमारे आगे पीछे ढूले। हाँ, आप तो बुद्धिमान ही इतने हो। ए भूषण, ए भूषण जी, आप कक्षा में सो जाते हो? हाँ तो सर, जब कोई काम नहीं होता तो हम सो जाते हैं, इसमें क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं, मतलब आपको क्लास में कोई काम नहीं होता? नहीं, कुछ काम नहीं होता, बच्चे अपना पढ़ते रहते हैं, उन्हें हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, हम भी जोर जबरदस्ती नहीं करते ना उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, वे सुर में पढ़ते रहते हैं और उनकी लोरी सुनकर हमें नींद आ जाती है बस। और जब आग खुलती है, पासबुक देखते हो, जेब में रखते हो, फिर सो जाते हो? जी मुझे तो नींद में भी पासबुक दिखाई देती है, उसके बिना मुझे नींद भी नहीं आती। बस जी। और भाटी जी, आप क्लास में बच्चों से मलयुद्ध करते हो? अरे साहब, जब बालक हम पे सीधा है जाएगा तो थप्पड़ चट्टू तो मानना ही पड़ेगा। थप्पड़ चट्टू? इन्होंने एक बच्चे को उठाकर टेबल पर पटक दिया।
अरे प्रिंसिपल साहब, बाकी जी में हंगा इतना है। अजी मैंने तो देसी घी खा रखो है। और सर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने लायक ना। और सर यही तो मैं कहता हूँ। तो कल क्लास में बैठा के बच्चों के साथ आपका टेस्ट ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि बच्चे पढ़ने लायक नहीं है या आप पढ़ाने लायक नहीं हो। जे ले हो। अरे हम का मास्टर में भर्ती हैं, हैं? हम तो किले रखे हैं, हम बच्चों पढ़वा रहे हैं। तो त्यागी जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही करे भाटी जी। सब ऐसे ही है। अब आप ऐसा कीजिए, अपनी अपनी कक्षा में जाइए। ठीक है साहब, ठीक है। पहले हम एक एक बीड़ी पियेंगे। क्यों त्यागी जी? बहुत बढ़िया, मैं भी यही कहने वाला था, बहुत देर होगी, तलब सी लग रही। यहाँ सही नहीं है प्रिंसिपल साहब के सामने, बाहर पियेंगे बाहर। सही कह रहे। आओ चलो। भूषण जी, भूषण जी। हाँ जी सर। यहाँ सोने के लिए चलो, निकलो यहाँ से, स्टाफ रूम में जाके सोइए। घर में सोके भी नहीं आता, अभी सोने के लिए बना। सोने के लिए आते हैं या पढ़ाने के लिए आते हैं? नहीं हो सकता, ये हमारे सिर पे बिठा रहे हो तो सब जाएगा। जिस दिन मैनेजमेंट मेरे हाथ में आ गया ना, सब होकर दो सीधा। वैसे पिताजी एक बात है। हाँ। जब तक माँ को मरने का पता चला ने, माँ के मुंह पर चमक सी आ गई। मर जाने मर जा परे को। ठीक ही तो कह रही, हल्ली रहे, माल खेच रही, चमकने। हाँ, माल तो मैं वे खा रही हूँ। राम राम। आगे बेटा, जीता रहे। नमस्ते। ठीक है चल बैठ। भैया नमस्ते। ठीक है। ए पानी ला दे भैया को। तू बैठ ही रहे, पानी वानी की जरूरत ना है, मैं जूस पी आया। अब देखो मैं केक के लाया माँ की नहीं के है। बहुत बढ़िया। पहले तू टूट, काम आएगी सारी चीज। सवेरी दोपहर को सांझ को माँ की धड़कन गिनते रहियो। पकड़े करंट तो नहीं मारता यू? ए इसमें कहाँ था करंट, बिजली बढ़ रही इसमें। कांप क्यों रही है, लगा ले और देखो। आवे स्वाद सा कुछ, सुन रही है धड़कन, खैड़ खैड़ हो रही इसमें तो। हाँ ठीक है पिताजी, तुम भी सुनो। हाँ जा सुनू मैं भी। यू की है भाई? यू इससे बीपी नापते कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बाबू, तो सारी मौज कर दी। ये पता कैसे, इस टाइम जरूरत आ पड़े। हाँ नाप के दे। भैया आप तो बिल्कुल डॉक्टर बन गए। मैं डॉक्टर ना बना, तू डॉक्टर नहीं बनेगी, डॉक्टर सारे बन जाएंगे। अरे एक और चीज थी, कहाँ रह लगी? ए यूरी, यू डॉक्टर ते मांग के लाए हूँ एक पैदा। हैं। इसे मुंह में दे के और बुखार नाप ले करेंगे। इब डॉक्टर के जान का बिसर ही न रहा, सारे काम ही अपने आप ही कर लिया करेंगे। लिए लंबे से सांस, खींच अंदर से चल जा भीतर तक। पिताजी कान में तो लगा लो इसे। पिताजी कान में तो सुनाई देगा, तुमने कान में तो दिया ही नहीं। मुझे तो लग रहा था जन चल रहा। हाँ अब देखो, इब के लिए लंबा सा सांस, इब लंबे आओगे तो सांस। ठीक है हूँ तो, बढ़िया चीज है। है तू पर ले जाए सा, किस किस के झूठे जन मेरे मुंह में दिए दे। होंगी हो जाऊंगी ठीक, ना होंगी ना सही। लगवा वैसे तू संभाल के धर ले, जब जरूरत पड़ेगी आ जाएगा काम। भैया ये सब क्यों उठा लाए तुम? तू बावली भी कुछ निपटी है, एमए फिलोसोफी कर रही है। देख 15 दिन तो आवेगी माँ के काम, और जब माँ मर जाएगी फिर पिताजी के काम आवेगी। पर इन पे खर्चा करने की क्या जरूरत थी? माँ तो फिर भी मरेगी, इन तक जी जगी। तू समझ ही नहीं रही बात को, माँ तो मर जाएगी, पिताजी भी तो बीमार होंगे, कै दिन जिएंगे फिर ये माँ के पीछे पीछे ये भी चल देंगे। देख जब हमारी दादी मरी, दादा कै दिन जिया? 1 साल में ही निकट लिया था। अब माँ है, पहले माँ की बारी, पहले माँ निकलेगी फिर पिताजी जाएंगे जल्दी। हमारा लाया हूँ सब सामान। अच्छा दोनों का जुगाड़ करके लाया था तू? खर्चा एक बार ही तो हुआ बस। हाँ महंगी आवे, पर महंगी भी लेनी तो पड़ी है। डॉक्टर के रोज पैसे न जान लग रहे, ये कर रहे वो। ले मिठाई भी लाया हूँ। बस बस दर्द पर उठा के न, माँ रोज रोज थोड़ी बीमार होगी। हाँ इसे संभाल के धरो,
इसमें तो मूसा भी दिख है, पकड़िए। अच्छा लग रहा पिताजी इसमें, खा लो मिठाई, खाओ सब खा लो, से दे तो ना आयो। कुछ नहीं बिगड़े, तू खेच जा। अरे माँ खा ले, इस बार ने हमें भी मिल जाएगी। हाँ तेरे बाद कौन खा रहा हमें मिठाई, फिर तेरे एक दिन तो हमारे चूल्हा ही नहीं जलना। हाँ फिर खाने की जीन करता कुछ। धरिश्मा को तुझे सेहत देगी, तू घड़ी ना खा, सारी खा ले। अरे माँ खा लन दे बिचारी को। ए यूं ही बतेरी, एक ले ले बस, एक चक्का से तू भी ले ले, खा लन दे ले। पिताजी तेरे बाद थोड़े खवा मैं, हमें कैसी है? ठीक है तुम ले लो। ए मैं मर जाऊं तो तू अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, देख जैसे भैया कर रहा ड्यूटी, कहीं ना कहीं बेटी चिपक जाओगी तू। कभी तू नू सोचा कि माँ तो गई और मैं भी पढ़ता की तरह घूमन हुई, किसी के घर ना जाइए, अपने घर रहिए यही। माँ मैं पढ़ाई तो छोड़ू नहीं, पर इसे पिताजी को समझा के जाइए, एक अकरा पे एक लालच करे कदे यू आवे भुक्के ही मार दे, एक ना पा भी ना देवे। दे दे करिए ना बालकों को पैसे। तू बेफिक्र रहो, सारे काम बहुत बढ़िया होंगे, तू चिंता ना मत। अरे सारे काम होंगे माँ, तू मर तो सही। हाँ ले ले पकड़ अपनी बर्फी। ले माँ तो छो माँ आ गई, मारने को लाया खवाने को लाया बर्फी। क्यों बर्फी का नाश करा लग रही है माँ? ले जा चल ठाके ना ले, देख ले के सांग जोड़ रही। वो हलवाई दे भी ना रहा था बर्फी, मैंने नू कही मेरी माँ मरने वाली, जब दिया उसने उधार। अच्छा फेंक कर लग रही बर्फी, बताओ 20 दिन पूरा भी नहीं होने दे रहे इनके, तो नू लग रही है बस मर जाइयो। हाँ बेकूफी होंगे जो नू चाहेंगे तू मर जा, फेंक दिए इस डिब्बे को, ये चोखा मजाक कर रहे बाल, हम तो चला है। इब तो तू ठीक सी होगी। हाँ हाँ हौसला सा बढ़ा है माँ कुछ। हाँ पहले से लग गया आराम, इब तो रौनक सी है चेहरे पे। जो तुझे छोड़ दे चल लेगी अकेली? हाँ मुझे छोड़ दे, ते चल के देख। पिताजी जल्दी। हाँ लग रहा मैं हो जाऊंगी ठीक, हो जाएगी तू सहसे ठीक, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं। हाँ। है समझ रहे ना, पकड़ूगे कम लग रहा अब तो, पेट में दर्द सज रहा है। हाँ। ये तो बिल्कुल ठीक हो रही। हाँ ठीक लग रहा मुझे। हाँ, हाँ, हाँ। ये 10 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुबह सुबह घुमा कर माँ अकेली। हाँ घुमा करूंगी अब थोड़ा सा, हे भगवान ठीक कर दे अब तो। अरे काहे के सोच में बैठा, क्या बात होगी। तुम क्यों बैठे हैं मुंह फिराए, तुम्हें क्या हो गया? सत्यानाश। सत्यानाश ना सत्य का नाश। देवी का ठीक कह रही है, मेरी मति मारी गई थी, सत्या मैडम करके उसे यहाँ ले आया, बता गी ना नुक्ते, करगी महाराज नाश, होगा टिकट कैंसिल, बेइज्जती और हो रही ऊपर। ठीक कह रहा तू, मेरी तो जुबान झुट्टी होगी, गांव वाले तो कहेंगे मास्टर की जुबान ही ना। 20 तारीख को क्या कहता सर गुआ जी, ये तो बैठी चुंडा। पिताजी कौन से गांव वाले, गांव वाले हैं, सारे रिश्तेदार ना बैठे थे, बताओ के जुबान के जवाब देंगे। सब आस करू बैठे थे। माँ तन्ने तो अच्छी बेइज्जती करवाई, मैंने तो अपनी सारी सहेलियों को बता रखा 20 तारीख को मेरी माँ मरेगी, मैं स्कूल में ना हूँ, उन्हें के बताऊंगी मैं। तुमने तो पंडित भी नहीं होता रखा होगा मेरी तिरामी उरामी करवाने का, हमन का ढंग कर रखा होगा। जीप के करता, मेरे का तो काम ही इतना हो, काम के लवे लगू मैं जीवी तो निमटेगा, बस होगी उपचुप, जीप के कर सके हैं। ए छोरी दरिस फोन को, नू सोच रही होगी माँ मर जाओगी बेबड़ हो जाओगी, चलाऊंगी फोन दिन रात, ताप देख ले अपनी और चैन ला के दे मेरी। नंगा खड़ा कर दिया मेरा जीता जी, काट ली चैन, और तुमने तो कार्ड भी छपवा लिए होंगे बांटने के मेरे तिरम्मी के। जब डॉक्टर ने बताई थी हमने काम जोड़ दिया। पिताजी डॉक्टर पाक्टर खामा खाई है, इन पे नाता जाता कुछ कुछ भी नाता जाता, हमारी जुबान जुट्टी करवा दी। हाँ और के इतना बढ़िया माहौल बन रहा था, अच्छा टाइम आया मार पे भी। सारा गांव बुझ जाता वो मास्टर तिरम्मी में केक के करेगा। थारा नाच जा थारा, मैं तो थारी और कितना मर रही हूँ, मैं तो सोचू मेरे बाल फड़फड़ाते डोल लेंगे हैं, और यू अकेला मरेगा ऐसा घेसड़े कौन देगा पोके हैं? पर एक बात मेरे खुशी मना रहे मरने की, बता कैसे आदमी है ये। पर एक बात माँ जरूर है, तेरी भगवान के यहाँ चले खूब है, के जुगाड़ भेड़ा, मैं तो बस आज तक इन श्री चरणों में पड़ा रहूंगा अपनी माँ के,
माँ तेरी जय हो, तेरता बड़ा इस धरती पर कोई नहीं, सब तू ही है। अरे मैं जीगी अरे मैं जीगी तो मैं तो बड़ी खुशी होनी चाहिए हैं? क्या मारी माँ मारे में जिंदी बैठी है? अरे ठाट से ब्याह करूंगी तेरा, बहू लाऊंगी सोनी सी, इसका ब्याह करूंगी। अरे माँ ब्याह तो जब बढ़िया होता जब तू नहीं रहती, जब लोग नू कहते बेचारा बिन माँ का कर दो, पर इसे दहेज नहीं देना पड़ता। छोरी का रिश्ता बहुत बढ़िया होता, नू कहते बिना माँ की कुछ भी ना देना पड़ा था, सब निभता। कोई ऐसी वैसी बात हो जाती ना तो हम कह तो देते बिन माँ की सब निभती, अब नहीं निभे। अरे तो एक काम करो, फांसी लगा दो मेरा, मार के गिर जाओ, चलो थारी ऐसी मर्जी। नू भी तो नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे आदमी हैं। ये लोग ही खराब कर दिया कि इसका पैरी थी के तन नहीं हो। डॉक्टर साहब पहले तो तुम ही पर्चा देखो, फिर से मैं नाम देखो मेरी माँ का, और फिर मेरे पिताजी को पहचानो। आप तो पहले भी आए हो शायद? शायद नहीं, निश्चित रूप से। बड़ी बीमारी बताई थी वो पर्चा यू। हाँ। अच्छा अच्छा हाँ बताओ बताओ। बताना यू है कि आपने यूं कही थी कि 20 तक माँ मर लेगी, 20 तारीख में हमारी माँ मरी नहीं। मरी नहीं? और के? इसका मतलब दवा ने असर किया है अपना, फिर आप यूं क्यों चाह रहे हो कि वो मर जाए? डॉक्टर साहब आप बात को समझ नहीं रहे। हाँ। सवाल यू नहीं है कि दवा ने असर करा कि नहीं करा, सवाल यू है कि तुमने झूठ बोला। कैसे? अरे कम से कम बताओ बताओ। झूठ बोलना चाहे तुम नू बताओ, अब 20 दिन में मर जाएगी। अरे साल भर का टाइम दे देता, हमें भी चोखा लगता, खूब मन की काट लेते दिखा के। पिताजी जब 20 दिन का आपने टाइम दिया तो मरनी चाहती ना, अगर वो नहीं मरी इसका मतलब था रिपोर्ट गलत है। नहीं रिपोर्ट गलत नहीं है, रिपोर्ट तो ठीक थी, बीमारी का कैसे पता चलता कि कौन सी बीमारी है, लेकिन अगर मरी नहीं है तो दवाई ने असर किया है, तुमने सेवा पानी अच्छी की है तो अच्छी बात है। ये लो फिर वही बात, सवाल ये नहीं है डॉक्टर साहब, काम चाहे थारी दवा ने करा हो, काम चाहे हमारी सेवा ने करा हो, बिल्कुल सवाल वो है ही नहीं। सवाल यू है कि तुमने गलत क्यों रिपोर्ट दी, तुमने झूठ क्यों बोला, सवाल है हमारी इज्जत बेइज्जती का। अच्छा मरीज मरा नहीं? हाँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं मरूँ के? तुम कुछ मत करो, तुम केवल इस बात का जवाब दो कि तुमने यू रिपोर्ट गलत क्यों बनाई। रिपोर्ट गलत नहीं है, रिपोर्ट तो ठीक है। अरे अरे मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मरीज नहीं मरा तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम आश्चर्य व्यक्त क्यों कर रहे हो? चल नहीं मरी वह ठीक होगी, मरे 10-20 हजार रुपए खर्च हो गए, पर हम नू कहें जब थारी रिपोर्ट ही डाल की आवेगी तो थारे पे तो दवाई ले कौन लेगा? यार तुमने हद कर दी, मरीज मरा नहीं ये तो बढ़िया बात होनी चाहिए, तब मेरे सिर हो रहे मरा क्यों नहीं? डॉक्टर साहब नु तो तुमने कहा था 20 दिन में मर जाएगी। हाँ? उस हिसाब से हमने सारी तैयारी भी करा रखी थी, मरे सारे रिश्तेदार गांव वाले सब मुंह बहु बाट देख रहे थे, नुको 20 तारीख ईब हम के मुंह दिखाएंगे उन्हें? तुम ये क्यों सोच रहे कि 20 तारीख में मरीज मरी जाना चाहिए था, ऐसी क्या बात है? पिताजी इस डॉक्टर की समझ में ना आवे बात। चलो, ना बिल्कुल खड़े हो लो, मेरी समझ में नहीं आने की थारी है बकवाद, कुल काटने को बैठे हैं। चल इनकी बात ना आवे, ये तो मान जू कटने के नाम में रहे नहीं रहते, इज्जत बेइज्जत ही कहीं ना पता। खोपरा ही खाली कर दिया, पता नहीं कहां तक नमूने फंसे, कैसे कैसे मरीज आने लगे आजकल, नमूने कहीं के बच गई जान। जो पढ़ाई ठीक चल रही है ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे भूषण जी, भूषण जी, अरे बैल है भाई, का यही पढ़ाते रहोगे, दूसरी कक्षा में ना पढ़ानो का? अरे अरे भाई क्लास इधर है तुम्हारी, का कर रहे हो यार भूषण जी?
अच्छा बच्चों, जगा दिया। आज बच्चों कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? सर एक बात पूछनी है। जो पूछना है पूछो। भाटी से कौन सी बात छपड़ रही है? हाँ, और भाटी जी से कोई भी बात पूछ लो, पूछो। सर संप्रभुता किसे कहते हैं? सारी बात भाटी जी से पूछेगी? हैं? सारी बात भाटी जी बताएंगे? हैं? चल ले छोरा, तू खड़ा हो, बता छोरी क्या पूछ रही है। सर ये पूछ रही है संप्रभुता का क्या मतलब होता है, मतलब सोवरेंटी। अच्छा, अरे वो तो हमें भी बताओ। सर जब आपको पता है तो बता दो ना। अरे पता है मतलब हमें पता है, जे पता है वाने पूछो का है, बाकी सवाल को जवाब बता। सर मुझे भी नहीं पता। अच्छा नहीं पता, भाटी की क्लास में हो के तो इतना ना पता हो है, कहाँ पढ़ता है तू? स्कूल में का घास खोदी हुआ तू है? चल बे तू बता जाके सवाल को का जवाब है। सर मुझे भी नहीं पता। अरे गधे भर्ती कर रखे जब प्रिंसिपल है, कछु ना पढ़े, और सारी बात किताबन में लिखी पड़ी है। पढ़े कौन जब हम थारी तरिया स्कूल में पढ़े है ना, गर्मियन की छुट्टी में ही सारा का सारा कोर्स पढ़ दे भाई, और तुम सूझे छोटी सी बात ना पढ़ी जा रही है। सर आप तो टीचर हो, बता दो ना। बताऊं अभी है? भाटी जी अपनी मर्जी के मालिक हैं, ना बता मैं तो ना बता मैं, चाहे प्रधानमंत्री जी बूझ लियो, चाहे राष्ट्रपति जी बूझ लियो, ना ही बता मैं तो ना ही बता मैं। सिट डाउन प्लीज। और बच्चों पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। सब ठीक चल रहा है? यस सर। सर बाकी सब्जेक्ट तो सही है, पर आप भाटी सर को हमारी क्लास में मत भेजा करो। सर उन्हें आता जाता तो कुछ नहीं है, बस हमें बोर करते रहते हैं। भाटी जी को क्लास में क्यों ना भेजे, क्या वो इस काम की तनख्वाह नहीं लेते? सर क्लास में आते हैं तो हमारा टाइम ही वेस्ट करते हैं। बेटा उन्हें क्लास में तो भेजना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। सर आपने उन्हें नौकरी में रखी क्यों रखा है? बेटा संविधान पढ़ लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सर ये संविधान क्या होता है? बेटा 12th क्लास में आगे हो, साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, संविधान क्या तुम्हें नहीं पता? क्यों भाटी जी ने नहीं बता? ये तो वही बताएंगे। भाटी जी मैं कल आपकी क्लास में गया था, आपके बच्चों को तो ये तक भी नहीं पता कि संविधान होता क्या है। अरे कुछ पढ़वड़ लिया करो, किताबों में देख के पढ़ा लिया करो उन्हें। हमें कौन सी जरूरत है संविधान पढ़ने की है? हमको कौन सा वकील बनना है, है? बताओ मैडम। तो आप बच्चों को संविधान के बारे में नहीं बताओगे? जी प्रिंसिपल साहब हमने बताया हा, सबसे पहले बैच को बताया। तो एक ही बैच को बताओगे क्या? भाटी जी हमें हर बात हर साल हर बच्चे को बतानी होती है, समझते नहीं क्या आप? अब एक ही बात हर साल बताने में कुछ मजो तो आवे ना है। चो मैडम यहाँ आप मजे की तनख्वाह नहीं पाते, यहाँ आप बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह पाते हैं, जो कि आप पे आता ही नहीं है। जब साहब हम पे कुछ आवत ना है तो हमारी शिकायत कर दो और अटैच कराए दो हमें ऑफिस में, है ना मैडम? मतलब आप तनख्वाह लोगे लेक्चरर की और काम करोगे क्लर्क का, जिसकी तनख्वाह उससे आधी भी नहीं होती। नहीं प्रिंसिपल साहब तुम समझे नहीं, बात तनख्वाह मनखा की ना है, वहाँ जाए क्या एक तो आराम से सोने को मिल जाए करेगा, और काम करना भी पड़ जाए ना तो अलग से पैसा मिल जाए करेगा, क्यों मैडम? हाँ ऐसा है जी, ये आराम के खाने की छोड़ दो, कुछ मेहनत करके खा लो। एक बच्चा मेरे से यूं कह रहा था कि भाटी जी से मेरी डिबेट करा लो किसी भी टॉपिक पे। तो कर लिए गो डिबेट, तो भाटी कौन सो खाई तू डरे है? तो मैडम अभी आपका पीरियड कहाँ है? मेरा तो साहब पीरियड खाली पड़ो, मैं तो स्टाफ रूम में जाके बैठूंगा और एक बीड़ी पींगो, बड़ी जोड़ की तलब लग रही है। छी 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 छी। हाँ।
कैसे आदमी फंस गए मुझे। निपट मूरख ही है। जी सर, आपने हमें बुलाया था। हाँ जी, बैठो। ऐसा है जी, एक ट्रेनिंग है, आपको वहां पे जाना है। इसे अभी आप अपने पास रखो, पहले कुछ बात कर लेते हैं। कीजिए सर, बात कीजिए। प्रिंसिपल साहब, जहां तक हमें पता है ये एक कंप्यूटर ट्रेनिंग है। अब आप एक बात हमें बताओ, इस कंप्यूटर की ट्रेनिंग में मेरा क्या काम है? क्योंकि मैं तो लेक्चरर फिलोसफी हूँ। क्या काम सत्या जी का है? क्योंकि ये TGT संस्कृत है। कोई बात नहीं सर, हम चले जाते हैं सर। हम क्यों जाएं सत्या जी, कंप्यूटर वाले जाएंगे ना। कंप्यूटर वाले जाएंगे तो उन्हें फायदा होगा तो बच्चों को फायदा होगा। हम क्यों जाएं? वेद सर, हमारे पास दो ही कंप्यूटर टीचर है और दोनों चुनाव ड्यूटी पर है। सर अब कौन से चुनाव होने लगे? आपको नहीं पता, नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं की तैयारी चल रही है। सर चुनाव का तो हर महीने का काम हो गया, सरकार सारे चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा लेती? लेकिन वेद सर, सरकार और सिस्टम हमारे हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। अरे तो सत्या जी, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो, उसमें टीचर्स की ड्यूटी लग जाए, चलो बात समझ में आती है। यहाँ तो छोटा मोटा कोई चुनाव हो उसी में टीचर को पेलते हैं। बच्चों की पढ़ाई का कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात हमारी समझ से बाहर है। वेद सर, आपकी समझ में तो और भी बहुत से काम नहीं आते। और प्रिंसिपल साहब, आपकी समझ कुछ ज्यादा ही एडवांस है। वेद सर प्लीज। वैसे सर आप एक बात बताओ, आप इस ट्रेनिंग में भाटी जी और त्यागी जी को क्यों नहीं भेज देते? उनको तो बीड़ी से ही फुर्सत नहीं है, ये उनकी समझ का रोग नहीं है। उनकी समझ का रोग क्यों नहीं है? ये वे तो क्लर्क भी रह चुके हैं, उन्हें तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान तो होगा ही, और अगर नहीं है तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है, उन्हें भेजिए। नहीं, वे दोनों कल से सर्वे करेंगे। अब ये नाकारे क्या सर्वे करने लगे? उन्हें कल से नोटबुक को अभियान चलाना है। बहुत बढ़िया, अब ये दो चैन स्मोकर लोगों को ये बताएंगे कि तंबाकू से कैसे बचें। बहुत अच्छे, चलो उन्हें नहीं भेज पा रहे तो भूषण सर को भेज दीजिए ना, उन्हें एसी में बैठकर सोने का मौका भी मिलेगा। उन्हें कल से BLO की ड्यूटी ज्वाइन करनी है। चलो भूषण जी को नहीं भेजते, कोई बात नहीं, इन मोहिनी मैडम को क्यों नहीं भेजते? यहाँ बैठी रहती है, इन्हें तो कंप्यूटर ऑपरेशन आता भी है, इनका काम ही कंप्यूटर का है, इन्हें भेजो। नहीं नहीं, इन्हें नहीं भेज सकते, इनको कल ऑनलाइन डाटा फीड करना है। ऑनलाइन डाटा फीड करना है या ये चली जाएंगी तो? नहीं वेद सर, मैंने खूब नजर दौड़ा ली है, हर टीचर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ये तो काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। मैंने ऑर्डर निकाल दिए हैं, आप साइन कीजिए। साइन भी करेंगे सर, पहले इन्हें उठा के रखो अपने पास। तो सर फिर कल तो बच्चों की छुट्टी के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं सत्या मैडम, स्कूल तो खोल के रखना ही पड़ेगा। तो सर यहाँ बच्चों को क्या दीवारें पढ़ाएंगी? ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण होगा क्या? राष्ट्र के निर्माताओं को तुम अपने सड़कों पे भेज दो। वेद सर आप सोचते बहुत ज्यादा है, हम सब एक सिस्टम का हिस्सा है। और या तो मैं सिस्टम छोड़ दूं या फिर चुपचाप इस सिस्टम के साथ चलता रहूं, अपनी आंख, अपने कान और अपने विचारों पे लगा दूं ताला। तो सर मेरे संस्कार तो ये कहते हैं कि मैं ये सिस्टम ही छोड़ दूं। तो छोड़ दीजिए ना, आप खुद सिस्टम में आए हैं, सिस्टम आपको घर से बुलाने थोड़ी ना गया था। प्रिंसिपल साहब, वैसे सर ये सेमिनार किस विषय में है? सरकार चाहती है कि कक्षा 9 तक के वो बच्चे जिनको अब तक अक्षर ज्ञान नहीं हुआ है उनको अलग करके अक्षर ज्ञान कराया जाए। बहुत सुंदर, अति सुंदर, शाबाशी देने का काम कर रही है सरकार। इसे कहते हैं ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा। जब सरकार टीचर्स को स्कूलों में रहने ही नहीं देगी तो इन बच्चों को अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान हो कहां से जाएगा? सर वास्तव में ये सरकार चाहती ही नहीं कि ये गरीब बच्चे पढ़ें। अगर ये गरीब बच्चे पढ़ लेंगे तो ये सरकार से सवाल करेंगे ना, सरकार इन्हें उलझा के रखना चाहती है बस। वेद सर, सरकार की थ्योरी अगर गलत है तो आप बताएं शिक्षा की वेद थ्योरी क्या है? सर मेरे हिसाब से तो ये काम पहली क्लास में हो जाना चाहिए। पहली क्लास में बच्चे को अक्षर ज्ञान भी होना चाहिए
अंक ज्ञान भी होना चाहिए और ये जिम्मेदारी है उस कक्षा को पढ़ाने वाले अध्यापक की। उसके बाद ये जिम्मेदारी बनती है उस स्कूल के हेड की, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान हो। सर, ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है ये क्या दे रही है? ये ब्रेन को मार ही तो रही है। बच्चे के जीवन के 14 साल हमने खराब कर दिए। क्या क्या पाया बच्चे ने उन 14 सालों में? सर, अगर कोई अध्यापक ऐसा नहीं कर पाता तो उसका इंक्रीमेंट रोक दो, हेड का इंक्रीमेंट रोक दो। लेकिन बच्चों को अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान तो होना चाहिए, और जब तक वो ज्ञान ना हो जाए उसे प्रमोट ही मत करो। बताइए, नो डिटेंशन पॉलिसी किस काम की? साइड इफेक्ट आज नजर आ रहा है। आपकी थ्योरी को कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन आपकी थ्योरी धड़ाम। अब आप जाइए और आपको जो भी ऑर्डर दिए है उन पर काम कीजिए। नहीं सर, मैं इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा। सर, आप घर जाके क्या करेंगे? घर जाकर एक ऐसा स्कूल खोलने की तैयारी करूंगा जिसमें अध्यापक केवल पढ़ाए और बच्चे केवल पढ़ें। इसके अलावा ना अध्यापक कोई दूसरा काम करेगा, ना बच्चे कुछ दूसरा काम करेंगे। वेद सर। नहीं सत्य जी, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं आंखें बंद करके अपने देश का भविष्य यूं धूमिल होते हुए कैसे देखूं? मैं नया स्कूल खोलूंगा और अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये है आपके हिसाब से इतने बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों की थ्योरी बेकारी है। सर, आप किन शिक्षा शास्त्रियों की बात कर रहे हैं जो अमेरिका और जर्मनी के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं? सर, हमारा देश अलग है, हमारा समाज अलग है, हमारे देश की ज़रूरतें अलग हैं, हमारे संसाधन अलग हैं। सर, ये जर्मनी और अमेरिका विश्वगुरु नहीं थे, विश्वगुरु हम थे। हमें अपनी शिक्षा नीति अपनी ज़रूरत के अनुसार बनानी पड़ेगी, दूसरों के अनुसार नहीं चल सकते हम। ये विदेशी हमें क्या सिखा सकते हैं? बहुत खूब। और इसका मतलब है आप अपना स्कूल खोल कर और वेद झोरी से बच्चों को पढ़ाएंगे? अपने अनुसार नहीं, अपने पूर्वजों की, अपने ऋषि मुनियों की थ्योरी के अनुसार पढ़ाऊंगा, अपने देश की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाऊंगा, अपने संसाधनों के अनुसार पढ़ाऊंगा। मैं ऐसी शिक्षा देना चाहूंगा सर जहां धन के विकास पर नहीं बल्कि मन के विकास पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, जहां बच्चा 14 साल की उम्र तक अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान में नहीं उलझा रहेगा बल्कि वो 14 साल पढ़ने के बाद लोक व्यवहार सीखेगा, और पढ़ने के बाद नौकरी नहीं ढूंढेगा, वो चांद तारों के पार का रास्ता ढूंढेगा, प्रकृति के रहस्यों का जवाब ढूंढेगा। सर, मैं घर जा रहा हूँ ऐसा स्कूल खोलने के लिए। ठीक है सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो अच्छा है, महिलाओं के बिना तो कोई काम पूरा होता ही नहीं। और ये सेमिनार? ये सेमिनार आप और मोहिनी मैडम देखें। चलो सत्या, चलो लगे अपने मिशन पर। हो सरल व्यवहार अपना कल्याणकारी जग को, हो सरल व्यवहार अपना कल्याणकारी जग को, बल ज्ञान आयु और यश मिलता रहे सभम को, बल ज्ञान आयु और यश मिलता रहे सभम को, पाले धर्म सनातन, पाले धर्म सनातन, भक्ति कहम को फल दे, बलवान परम ईश्वर हमको भी थोड़ा बल।